subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. करण के मन में प्रीता के लिए प्यार तो दिखता है, वो प्रीता को अपने प्यार के जाल में फंसाए रखना चाहता है। जैसे ही प्रीता को पता लगता है कि वो अब दूसरी शादी करना चाहता है तो प्रीता गुस्से में सृष्टि को कह देती है कि मैं करण को तलाक देना चाहती हूँ। उसके बाद करण को जो मूव ऑन करना है वहाँ करे, उसे कोई नहीं रोकेगा। करण के सामने जल्द ही प्रीता का सच आने वाला है। जो काम प्रीता ने किया ही नहीं तो उसकी सजा करण प्रीता को क्यों दे रहा है, ये सच कोई और नहीं बल्कि खुद प्रीता लाने वाली है। प्रीता ने सभी के सामने देख लिया दबके, करण प्रीता को हर किसी का आगे झुकाता है। कोई भी पूछता है तो प्रीता कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ। करण तभी कुछ ना कुछ कह देता है। प्रीता ने भी अब मन में ठान ली है कि अब मैं भी चुप नहीं रहूँगी, सबको बताऊँगी कि कैसा है करण लूथरा, जिसे तुम क्रिकेटर मानते हो कितना गंदा काम कर सकता है। प्रीता जैसे ही किसी को बताती है तो करण के पास ये बात पहुँच जाती है। करण प्रीता से बात करता है, कहता है कि तुम इस बात का ढिंढोरा मत पीटो। प्रीता के हाथ सबूत लग जाएगा कि महेश अंकल का एक्सीडेंट मैंने नहीं, ये देख पृथ्वी मल्होत्रा ने किया, तो करण तो कुछ नहीं कहता है। पर घर आते ही वो राखी के गले लगकर खूब रोता है। राखी को भी पता लग जाता है कि बात क्या है, तो ऋषभ ये सब कुछ देखकर खुश होता है कि करण को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। रिपीट, तो दोस्तों कहानी के अंदर जो भी अपडेट्स और रिपोर्ट होंगे वो सभी आप सभी फैंस के सामने लेकर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज़रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।